2023 का सबसे मुश्किल सवाल, iPhone 12 ज्यादा बेटर है या iPhone 11 Pro? ये दोनों ही फोन्स मेरे पास 7-8 महीने से है एंड दोनों ही फोन्स को मैंने सेकेंड हैंड लिया है। रियल लाइफ यूसेज में मैंने दोनों को ही बहुत अच्छे से यूज कर लिया है। अगर आपको भी डाउट है कि 2023 में हमें इन दोनों में से कौन सा सेकेंड हैंड लेना चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आज की इस वीडियो में हम इनडेप्थ पता करेंगे कि दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपका ही भाई सेकेंड हैंड फोन्स पर इनडेप्थ रिव्यू लाता रहता है। यहाँ पर दोनों ही फोन्स दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगते हैं लेकिन ग्रिप आपको iPhone 11 Pro में थोड़ी बेहतर मिलेगी क्योंकि इसका डिजाइन थोड़ा राउंडिश टाइप है, वहीं iPhone 12 में आपको स्क्वायरिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। एंड iPhone 11 Pro का इन हैंड फील भी थोड़ा रिच है क्योंकि इसमें स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, वहीं iPhone 12 में आपको एल्यूमिनियम 7 का फ्रेम देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स की ड्यूरेबिलिटी में मुझे कोई भी कमी देखने को नहीं मिली, दोनों ही फोन्स अच्छे खासे मजबूत हैं। बस यहाँ पर जो वेट है वो iPhone 11 Pro का हल्का सा ज्यादा है कंपेयरिंग टू iPhone 12। अगर इन दोनों फोन्स में से डिजाइन वाइज मुझे किसी एक फोन को चूज करना होगा तो यहाँ पर मैं iPhone 11 Pro को चूज करूंगा क्योंकि तीन गोले वाले कैमरा का जो स्वैग है वो अलग ही होता है। वहीं iPhone 12 के लुक एंड फील में आपको एक अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड इस फोन के आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो ड्रॉप प्रोटेक्शन है वो iPhone 12 में आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी स्क्रीन में सिरेमिक शील्ड यूज हुई है जो कि 4x बेटर ड्रॉप प्रोटेक्शन देती है कंपेयरिंग टू iPhone 11 Pro। दोनों ही फोन्स के बैक में आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा लेकिन आपसे निवेदन है कि कवर लगा कर रखिएगा क्योंकि अगर इसका ग्लास फूट जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। पोर्ट्स में यहाँ पर हेडफोन जैक गायब मिलेगा। सिम ट्रे की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आप डुअल सिम यूज कर सकते हैं लेकिन एक सिम आपको फिजिकल लगानी पड़ेगी, दूसरी आपको ई सिम के थ्रू एक्सेस करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर अगर आपकी मेन प्रायोरिटी 5G है तो आपको iPhone 12 की तरफ ही जाना पड़ेगा क्योंकि iPhone 12 एप्पल का पहला ऐसा फोन है जिसमें एप्पल 5G इंट्रोड्यूस करा था। वहीं iPhone 11 Pro की भी कनेक्टिविटी कोई कम नहीं है, इसमें आपको 4G की गीगाबिट LTE टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ये 4G की सबसे फास्टेस्ट फॉर्म होती है एंड मेरे हिसाब से आप अभी भी 4G फोन को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अभी पूरी तरीके से 5G आने में 1 से 1.5 साल बाकी है एंड वैसे भी जब 5G आएगा तो उसके रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगे होंगे, ज्यादातर लोग 4G को ही यूज करने वाले हैं। डिस्प्ले यहां पर दोनों ही फोन्स में 2K सुपर रेटिना XDR OLED है, बस iPhone 12 का डिस्प्ले स्लाइटली बड़ा है 6.1 इंच का है, वहीं iPhone 11 Pro का डिस्प्ले 5.8 इंच का है। दोनों में यहाँ पर HDR10 एंड Dolby Vision का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है लेकिन इंडोर में iPhone 11 Pro का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील होगा क्योंकि इसमें 800 nits की इंडोर ब्राइटनेस है, वहीं iPhone 12 में इंडोर ब्राइटनेस ओनली 625 है। डायरेक्ट सनलाइट में यहाँ पर दोनों ही फोन्स एक जैसे परफॉर्म करते हैं क्योंकि पीक ब्राइटनेस दोनों में ही 1200 निट्स है। वैसे यहाँ पर दोनों ही फोन्स की जो वीडियो क्वालिटी वो आपको बहुत ही ज्यादा शार्प एंड शानदार देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन 2023 में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो iPhone 11 Pro में आपको बायोनिक A13 चिप देखने को मिल जाती है जो कि 7nm+ पर बेस्ड है, वहीं iPhone 12 में आपको बायोनिक A14 चिप देखने को मिल जाती है जो कि एक जनरेशन आगे वाली चिप है एंड ये 5nm पर बेस्ड है। जितना कम नैनोमीटर प्रोसेसर आर्किटेक्चर होता है उतना ही ज्यादा फोन बेटर परफॉर्म करता है। वैसे यहाँ पर दोनों ही फोन्स की जो स्पीड है वो आसपास ही है, दोनों में ही आपको iOS 16 का अपडेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो एप्स है वो दोनों ही फोन्स फास्ट ओपन करते हैं, बस यहाँ पर 12 हल्की सी लीड ले जाता है। हैवी एप्लीकेशन लाइक BGMI iPhone 12 में जल्दी ओपन हो जाती है बिकॉज इसमें एक जनरेशन आगे वाली चिप लगी है। बाकी का यहाँ पर अगर आप आमने सामने टेस्ट करेंगे तभी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे दोनों ही फोन्स यहाँ पर बहुत ही फास्ट चलते हैं एंड 2023 में भी कोई दिक्कत नहीं करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग की, तो 6 से 7 एप्लीकेशन दोनों ही फोन्स आराम से बैकग्राउंड में रख लेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत बार मल्टीटास्किंग टेस्ट करा तो यहाँ पर मुझे कोई भी इशू नहीं आया है। वहीं मैं अगर बात करूँ गेमिंग की तो iPhone 12 में BGMI जल्दी ओपन हो जाता है, iPhone 11 Pro पीछे रह जाता है। बात करते हैं ग्राफिक सेटिंग की तो दोनों ही फोन्स में आपको मैक्स ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जाएगी HDR+ एक्सट्रीम, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट 60fps चाहिए तो आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर खेलिएगा, वहां पर आपको बहुत अच्छा गेम प्ले दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाएगा। एप्पल के 4-कोर ग्राफिक्स आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाते हैं लेकिन iPhone 11 Pro ज्यादा देर तक गेमिंग करने पर अपनी ब्राइटनेस को लो कर देता है, वहीं iPhone 12 ऐसा नहीं करता है। वहीं मैं बात करूं क्लासिक मैच की तो वहां पर भी iPhone 12 ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ब्राइटनेस लो नहीं करता ना ही ग्लिचेस देता है। वहीं iPhone 11 Pro ज्यादा हीट हो जाता है अगर आप बहुत देर तक क्लासिक मैच खेलेंगे, तब जाकर आपको ये सिचुएशन फेस हो सकती है। अगर आपकी यहाँ पर मेन प्रायोरिटी BGMI है, आपको गेम खेलने के लिए फोन चाहिए तो आई थिंक iPhone 12 ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी की तो iPhone 12 में आपको 2815 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं iPhone 11 Pro में 3046 mAh की बैटरी है। आज के ट्रेंड के हिसाब से नंबर के मामले में दोनों ही फोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा कम है, आजकल 5000 mAh की बैटरी आ रही है, वहीं iPhone 3000 mAh की बैटरी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एप्पल के प्रोसेसर होते हैं वो इतने
ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं कि इतनी कम बैटरी होने के बावजूद भी पूरा एक दिन आपका आराम से निकाल देते हैं। अगर इन दोनों ही फोन्स की बैटरी 100% रहती है तो फोन आराम से आपका पूरा एक दिन निकाल देगा, आपको बेड टाइम पर ही चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपकी बैटरी हेल्थ कम रहती है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं तो आपको फोन दो बार चार्ज भी करना पड़ सकता है। वैसे यहाँ पर मैं कुछ बैटरी की प्रो टिप्स यूज़ करता हूँ जिसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, आप जाकर वो वाला वीडियो देखना। उस वीडियो को देखने के बाद आई बेट आपकी भी बैटरी थोड़ी ज़्यादा चलने लगेगी। मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर आप इन दोनों ही फोन्स में से कोई सा ही फोन सेकंड लेने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि जो बैटरी हेल्थ है वो 85% से ऊपर हो। अगर नीचे होगी तो यहाँ पर जो बैटरी है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगी। बात करते हैं यहाँ पर चार्जिंग की, तो आज के हिसाब से आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगी, फोन को चार्ज होने में आराम से 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। एंड दोनों ही फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप 18 वॉट से चार्ज करेंगे तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत जल्दी गिरने लगेगी। मैं यहाँ पर अपने कोई भी एप्पल प्रोडक्ट को 18 वॉट से चार्ज नहीं करता हूँ, मैं यूज करता हूँ एप्पल का 10 वॉट का चार्जर। अगर आपके पास एप्पल का 10 वॉट का चार्जर नहीं है तो आप MI का 10 वॉट का या रियलमी का 10 वॉट का चार्जर भी यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये मेक श्योर करिएगा कि जो एप्पल की केबल हो वो ओरिजिनल हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है कैमराज। आईफोन 11 प्रो में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। पहला कैमरा 12 मेगापिक्सल का मेन है, दूसरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, एंड तीसरा 12 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। वहीं जो आईफोन 12 है उसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। टेलीफोटो कैमरा यहाँ पर आईफोन 12 से मिसिंग है। सीधे चलते हैं यहाँ पर कैमरा रिजल्ट पर। नॉर्मल शॉट्स में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही फोन डायनामिक रेंज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। बस यहाँ पर आईफोन 12 में आपको जो अपर्चर है वो f1.6 का मिलता है, वहीं आईफोन 11 प्रो में f1.8 का है। जितना कम अपर्चर होता है उतना ही ज्यादा ब्राइट फोटो आता है, तो यहाँ पर आईफोन 12 हल्का सा ब्राइट लगेगा लेकिन इतना बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो दोनों ही फोन्स के नॉर्मल शॉट्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिल जाएगी एंड बहुत अच्छी शार्पनेस भी मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट्स की, तो यहाँ पर पूरा सीन चेंज हो जाता है। आईफोन 11 प्रो में डेडिकेटेड टेलीफोटो है जिसके कारण यहाँ पर DSLR टाइप आपको पोर्ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं, एज डिटेक्शन कमाल की हो जाती है एंड यहाँ पर जो शार्पनेस है वो भी बहुत ज्यादा शानदार आती है। बात करते हैं आईफोन 12 की, तो ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से पोर्ट्रेट लेता है, ब्लर बैकग्राउंड में होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप का लगता है एंड यहाँ पर एज डिटेक्शन में भी ये कभी ना कभी दिक्कत दे देता है। एंड पर्सनली मुझे आईफोन 11 प्रो के शॉट्स ज्यादा बेहतर लगते हैं, आईफोन 12 यहाँ पर बॉडी को थोड़ा स्किनी टाइप कर देता है जो कि देखने में ज्यादा बेहतर नहीं लगता है। ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही फोन्स के जो पोर्ट्रेट्स हैं उनमें शार्पनेस एंड कलर एक्यूरेसी दोनों में ही सेम देखने को मिलती है, बस आईफोन 11 प्रो जूम करके फोटो लेता है क्योंकि डेडिकेटेड टेलीफोटो है, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आईफोन 11 प्रो में मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड यहाँ पर दोनों ही फोन्स में एक जैसा परफॉर्म करता है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फोटोज में डिटेल्स भी आपको बहुत शानदार मिल जाती है, डायनेमिक रेंज भी दोनों ही फोन्स अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही फोन्स के कैमरा नेक टू नेक है, बस यहाँ पर आपको डिसाइड करना है अगर आपको DSLR टाइप फोटोज चाहिए तो आप आईफोन 11 प्रो की तरफ जा सकते हैं। वीडियो की बात करें तो दोनों ही फोन 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो क्वालिटी आती है दोनों ही फोन से बहुत ही ज्यादा शानदार आती है। यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो भी बहुत बढ़िया आ जाता है, डायनेमिक रेंज को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ फोकसिंग स्पीड की, तो फोकसिंग स्पीड भी दोनों की ही अनबीटेबल है। वैसे यहाँ पर आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी उसको बीट करना बहुत मुश्किल होता है एंड यहाँ पर जितने भी आप बीरोल देखते हैं वो मैं आईफोन 11 प्रो या आईफोन 12 से ही लेता हूँ, तो यहाँ पर क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको वीडियो में देखने को नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्फी की, तो दोनों ही फोन में 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर जो सेल्फी रिजल्ट है वो दोनों के ही आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ज्यादा कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पोर्ट्रेट सेल्फी भी आपको दोनों ही फोन की सेम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की, तो दोनों ही फोन 4K 60fps पर फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड यहाँ पर क्वालिटी बहुत शानदार आती है। मैंने यहाँ पर बहुत सी रील्स बनाई हैं आईफोन 11 प्रो एंड 12 से, अगर आप भी चाहें रील्स बनाने के लिए तो इन दोनों फोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको रील्स का सैंपल देखना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की, आखिरकार 2023 में कौन सा फोन ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी मैंने दोनों फोन को यूज करा 2023 में दोनों ही फोन बहुत ज्यादा शानदार चलते हैं एंड आराम से 2-3 साल और ये फोन निकाल देंगे। प्राइसिंग की बात करें तो आईफोन 11 प्रो आप नया लेने जाएंगे तो मिलेगा नहीं एंड अगर आप कहीं से जुगाड़-तुगाड़ से लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। वहीं जो आईफोन 12 है वो अभी 56-57 का फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है, जब यहाँ पर बिग बिलियन डे सेल आती है तो 45-47 का ये हो जाता है एंड मेरे हिसाब से दोनों ही फोन को न्यू लेना ज्यादा वर्थ इट नहीं होगा, आपको इन दोनों ही फोन को सेकंड हैंड लेना है एंड दोनों ही फोन आपको अंडर 35,000 रुपीज सेकंड हैंड मार्केट में आराम से देखने को मिल जाएंगे। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं अपने सेकंड
फोन कहां से लेता हूं। अगर आपको भी जेन्युइन सेकंड हैंड फोन चाहिए तो आप स्ट्रीट मोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको जेन्युइन सेकंड हैंड फोन्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे यहां पर अगर आपको आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 12 के बारे में और इन डेप्थ में जानना है तो यहां पर मैंने दोनों की ही डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर डाल दी है, तो आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने और इन डेप्थ में आपको बताया कि ये फोन 2023 में कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी का यहां पर अगर मुझे इन दोनों फोन्स में से किसी एक फोन को चूज करना होगा तो मैं आईफोन 11 प्रो को चूज करूंगा, क्योंकि उसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है एंड टेलीफोटो कैमरे की बात ही अलग होती है। एंड अगर आप भी सेकेंड हैंड लेने का सोच रहे हैं तो सेकेंड हैंड लेने से पहले आपको बहुत सी चीजें देखनी होती हैं कि बैटरी कैसी है, डिस्प्ले ओरिजिनल है कि नहीं है, कैमरा ओरिजिनल है कि नहीं है, तो इसकी सारी जानकारी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने हर चीज को कवर करा है कि सेकेंड हैंड लेने से पहले आपको क्या क्या देखना होता है, तो वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहां तक वीडियो देख ली तो टाइप कर दो #DTFamily ताकि मुझे पता चले कि मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर कौन से हैं जो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन